गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। 26 जनवरी जो राष्ट्रीय पर्व के रूप में, गणतंत्र दिवस के रूप में हर वर्ष भारत में मनाया जाता है, नौजवानों और आम जनता, स्कूली बच्चे, सैनिक, सभी द्वारा बढ़ चढ़कर धार्मिक इस राष्ट्रीय आयोजन को धार्मिक आयोजनों से भी ज़्यादा होश, हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है, क्योंकि ये सभी भारतवासियों का है। विदेशों बसे लोग भी इसको बड़ी खुशी से मनाते हैं और हर बार ये प्रण लेते हैं कि हम राष्ट्र की छवि को बनाए रखेंगे, राष्ट्र की छवि में चार चांद लगाएंगे। इस बार भी नौजवानों के साथ साथ नौजवान एक समर्पित नागरिक बनने का प्रण लें। जैसे विश्व में जापानी राष्ट्रभक्ति के उदाहरण बताए जाते हैं, विश्व समुदाय में अपने युवाओं को हर राष्ट्र द्वारा लोग हम उदाहरण बनेंगे विश्व के लिए। महानता जो हमारे भारत के हम बताते रहे हैं भारतवासी, हम चाहते हैं चीनी और पाकिस्तानी बताएंगे भारत महान है। हम चमन बनाने के लिए 26 जनवरी को पोस्टरियल शुरू नहीं करते हुए, कागजों की बर्बादी नहीं करते हुए, इस बार राष्ट्र को नमन बागवानी बढ़ाने के नारे के साथ आयोजित करने का प्रयास करें, फलदार भारत बनाएं, चमन रूपीस राष्ट्र को फलों के बगीचे में बदलें। घरों पर फलदार पौधे दिखाई दें, सिर्फ पौधे के लिए इस काम नहीं चले, फलदार पौधे बढ़ाए। वैश्विक समुदाय, मेक्सिको जैसे देश अनाज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, नहीं कोई वो अपनी रक्षा क्षेत्र में उपलब्धि हासिल नहीं कर रखी थी मेक्सिको ने लंबे समय तक, भारत को क्यों निर्यात किया, इसमें कोई दौरा नहीं। उस राष्ट्र को साधुवाद देना चाहेंगे, हमारी जनता के लिए अन्न मुहैया करवाया था, चाहे वो हमने खरीदा ही हुआ, हमें को मुफ्त होने लिया था, वो एक अलग बात है, परंतु मैक्सिको ने भी गेहूँ उत्पादन में अच्छी तरक्की कर रखी है, जिस राष्ट्र को बहुत कम जान पहचान मिली है वैश्विक स्तर पर। तो मेन यही रहे कि जो पंचायतों की बात करूँगा मैं, नगर परिषदों यानी म्यूनसिपल कमेटीज की बात करूँगा, ये एक स्लोगन राष्ट्रीय स्तर से काम नहीं चलेगा, आप स्वयं जवाबदेही निभाएं और उनको फंडिंग भी दे सरकार आयोजनों में। जब कभी बच्चों को स्त्री बातों के लिए प्रेरित किया जाता है, वो कहते हैं सर हमें दिल, वो बहुत बड़ी बात आ गई, सामने प्रश्न रख दिया, हमें दिल, वो हम लगा देंगे हमारे घर में, और अपने घर में लगाए पेड़ को घर वाले पाल भी अच्छे से लेते हैं, क्योंकि आवारा पशुओं आवारा लोगों का शिकार नहीं होता। और फलों के उपजाने का केंद्र और जो कैदी गृह हैं उनके नज़दीक भी बात विशेष रूप से होनी चाहिए। मैंने पहले कहा था गुंडों से चार गुना काम लिया जाए, जो कैदी हैं, अपराधी हैं, जो राष्ट्र की छवि को भी कलंकित करते हैं, खुद की भी करते हैं, परिवार समाज सभी की करते हैं। गुंडों में तभी डर पैदा होगा तब उनको पता लगेगा कि अगर मैं माननीय न्यायाधीश महोदयों से कहूँगा हर अपराध के लिए फलदार पौधा लगवाना सुनिश्चित करें। यदि कोई आर्थिक जगत का अपराधी है, इस तरह के बदमाश को ये निर्देश दिए जाएं कि आप इतने फलदार पौधे जिला प्रशासन के माध्यम से बांटें, और अपराधियों के यहाँ भीड़ है ऐसी कोई बात नहीं है, आपराधिक पृष्ठभूमि वाले हेराफेरी 420
मैं ये इसलिए कहना चाहता हूँ कि आम नागरिक को भी ज़्यादा पूरा बोझ न लदा जाए। वो तो ऑलरेडी सीधी सड़क पर चल रहे हैं, काम कर रहे हैं और आदर्शों को स्वयं सजोए हैं। उनको ज़्यादा बार बार खाने से उनमें अनावश्यक रूप से जल्लाहट पैदा होती है, भाई हम सही कर रहे हैं और क्या करना बताओ। उनका ये कहना होता है कि कमी है नहीं भाई। तो 99% 99.9% लोगों को जो ठीक गति से चल रहे हैं, समस्या उनके साथ नहीं है, समस्या उनके साथ है जो ज़्यादा चतुर और अराजकता फैलाते हुए शासन को चैलेंज करते हुए, कोई किसी को माओवादी कहा जा रहा है, किसी को ये कहा जा रहा, नहीं, उनको जेलों की परिसर में भी या जेलों के बाहर भी इस तरह लोगों से बहुत ज़रूरी है सफाई और कमाई का काम लिया जाए। लोगों की भट्टियों के आगे भी सिर्फ वीरों को नहीं, इनको खड़ा किया जाए ताकि तपन लगे। कल एक बच्चा कह रहा था कि हम अमेरिकन न्यायपालिका को ले आए, ये ठीक नहीं है, सऊदी अरब वाले लाने थे। मुझे बड़ी हंसी आई। वो बच्चा हालांकि धार्मिक विचारों से बहुत प्रत था, उसने कहा सर मुझे न्यायपालिका तो वहाँ की अच्छी लगी, कि बदमाश को सरेआम चौराहे पर उसी की बात समदंड दिया जाए। तो मैं यही कहूँगा राष्ट्र की छवि को चार चांद हम लगाएंगे, इस प्रण के साथ आगे बढ़ेंगे और ये राष्ट्र पर्व मनाएंगे। राष्ट्र की छवि को चार चांद लगाएंगे, छवि को और भी बनाएंगे और देश को फलों का बाग बनाएंगे, गुंडों से भी फलदार पौधे लगवाएंगे। मैं बार बार ये कह रहा हूँ, गुंडा शब्द अपने को छाती पीट करने का, लोग बिलों में दोकने लग जाएं। अगर लोग ये भी कहें जैसे चोर की तरह जो है कि अमुक गुंडा है, ये उस शासन द्वारा पाला पोसा मसवी, ये चीफ मिनिस्टर DGP वो पहले भी कहते हैं, बार बार शिकायतें आ रही भाई आपकी कि उसको वहाँ छिपा दिया, उसको वहाँ बचा दिया, 3 दिन पहले निर्देश दे दिया कि ये राष्ट्रद्रोह संलिप्त है, जब वो वापिस उसकी तरफ मुड़ आया तो ये अब राष्ट्रद्रोह संलिप्त नहीं। भाई पुलिस पारदर्शिता बढ़ा ले, राष्ट्रीय जोश लोगों भरने के लिए ज़रूरी है कि नेतृत्व में भी दम हो। फर्जी और फेक नेतृत्व कभी राष्ट्रवाद पैदा नहीं कर सकता, दिल टूटता है लोगों का। यह अभी चर्चा चल रही थी, एक फिल्म भी बनाई गई थी, पानीपत का तीसरा युद्ध हम जीत जाते यदि अवध नवाब और भरतपुर के महाराजा साथ देते, तो अहमद साहब दिल्ली चला जाता वापिस यहाँ से पिट कर। बात वो मान ली, बिल्कुल चला जाता अहमद साहब दिल्ली, इधर आँख ही नहीं करता। पर समस्या थी कि जो जिनसे सहयोग की बात की जा रही है वो स्वयं उनसे डर रहे थे जो हारे थे। यहाँ से 28,000 लोगों को जो सरेआम अहमद साहब दिल्ली से ने कत्ल किया, जिनसे सहयोग की बात की जा रही वो कह रहे थे कि अगर वो बच जाते तो हमें मार देते, उनसे भाईचारा किस नाम का, वो हमारे राज्य में आतंक मचाते, लूट करते। तो यही बात है, हम सबसे पहले राष्ट्रीय भाईचारा और सद्भाव पैदा करें, नागरिकों में न्यायप्रियता सद्भावना और लगाव पैदा करती है। यदि आप किसी कार्यालय में गए, आपसे अच्छा व्यवहार हुआ, शासन ने सहयोग दिया, तो शासन के प्रति आपकी आस्था बढ़ती है। ये इस बार सुशासन में सड़कों पर भी अनुशासन बनाने का प्रयास, नागरिक और पुलिस अच्छी अवेयरनेस टॉपिक के साथ भी चलाएं, बगीचों के साथ साथ अनुशासन बढ़ाने पर प्रयास। अनुशासन के नारे से मतलब नहीं है, एक आदमी चलती गाड़ी अगर सड़क पर पार्क कर देता है ढेर सारे लोगों को तकलीफ होती है। और ये करिए देखने में आता है कि जो स्थानीय सड़कें हैं वहाँ फुटपाथ नहीं है, लोग चलेंगे। चलो मैं इन बातों बाद में कहूँगा कि भारत को बहुत ज़्यादा प्रबंधन और तकनीकी ज्ञान की ज़रूरत है, काफ़ी बड़ी संख्या में, और मैं ये भी बताना चाहता हूँ शासन को कि स्वार्थी व्यक्ति कभी सेवाभावी नहीं हो सकता। ही इंडिविजुअल इंग्लिश में बोला जाता है,
अपने जीने वाला कभी समाज के लिए नहीं जीता। थोड़ा समाज एक टेम्परेरी पैदा करना पड़ेगा। कई बार इन चीफ मिनिस्टर्स को हम कहते हैं भैया आपके चीफ जो सेक्रेटरी आपने लगाए सी योगी ये दूसरा व्यक्ति खड़ा है, बार बार बताया जा रहा है तेरे को ये जो तू लेकर फिर रहा है जो जिसका राज्य का भार देने जा रहा है ये इतना काबिल व्यक्ति नहीं है, इससे काबिल ये दूसरे तीन चार और लड़के खड़े हैं या IIM से आए हैं वहाँ से आए हैं, इनको अवसर दे दे, क्या दिक्कत है तेरे को। जरूरी थोड़ी है कि व्यक्ति को चीफ सेक्रेटरी बनाकर उसके कंधों पर एक भारी भरकम मशीनरी और राज्य की जनता का सेवा का बोझ डाल दिया। तो नाकाबिल लोगों को बादशाह ने कहा था मुझे उसका सीना नहीं देखना है, सीना अगर चौड़ा है बहादुर तो सैनिक बने, सेनापति मेरा साला बनेगा। मैंने पहले कहा था ये साला गर्दी बंद हो, एक शिक्षित महिला को शिक्षा मंत्री बनाने का प्रयास करना घोर बदमाशी है। राष्ट्र पर्व के दिनों में अच्छे कर्मों का भी शपथ लेनी, और जो लोग नेतृत्व करते हैं उन पर ही भार डबल रूप से आ जाता है कि वो अच्छा रोल मॉडल बने। अगर हम उनके बारे में ये पता लगेगा कि इस व्यक्ति को अच्छाई पसंद नहीं है, इस व्यक्ति को सच्चाई पसंद नहीं है, उसके भाषण सुनना ही देश पसंद भी नहीं करेगा, मैं पहले बता देता हूँ। इस 26 जनवरी को प्रण लेना, हम इस तरह से आगे बढ़ेंगे। न्यायप्रियता के मामले में मैंने कहा है, बागवानी की जो बात कही है, 26 जनवरी कुछ हमें सुधार करने हैं, और सुधार सिर्फ आदर्श नहीं होता, बदमाशों के साथ सख्ती बरतनी होती है। अच्छे नागरिक ऑलरेडी ऑटो डिसिप्लिन बोला जाता है, उनके लिए पुलिस बल की आवश्यकता नहीं होती। पुलिस भारत की पुलिस सिर्फ चालान बुक लेकर नहीं फिरे सड़कों पर कि सिर्फ वैध या अवैध रूप से वसूलिया कार्य नहीं करें, सड़कों पर अवैध संचालन हो रहा है, सड़कों पर एक व्यक्ति गलत पार्किंग, गांव के अड्डे पर एक बदमाश अगर अपनी गाड़ी को रोक कर और 100 वाहनों को परेशानी दे रहा है, अनेक नागरिकों को वहाँ जान जोखिम में डाल रहा है, इस तरह की व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की जानी बनती है, परंतु देखने में आता है कि रॉन्ग पार्किंग के लिए चालान बुक उठाकर देख लो इनकी कितने चालान काटे हैं। प्रदूषण के नाम पर, अरे प्रदूषण की तो मशीन रख दो, लोग बनवा लेंगे प्रदूषण की पर्ची, क्या बात हो गई, चालान क्या होता है इसमें, जिसके पास नहीं है बना दो भैया अपना प्रदूषण चेक करा लो, मशीन तुम चालान काटने की नहीं प्रदूषण सर्टिफिकेट जारी करने की पर्ची रख लो ना एक मशीन साथ, जिसके पास नहीं उसे चार्ज लेके बना दो। तो ये चालान पर ध्यान कम केंद्रित करें, शासन से सहयोग करें और शासन के अच्छे अच्छे पेश करें। पुलिस किसी भी राज्य की, मैं बता देता हूँ अभी जो सभी ये विशेष रूप से बताना चाहता हूँ, पुलिस किसी भी राज्य की मुख्य एक प्रकार से प्रतीक कि वो राज्य कितना वहाँ की अच्छी शासन प्रणाली है। इस तरह की बात मैं कह रहा हूँ, पुलिस अच्छे से भी पेश करे, एक डिसिप्लिन और कोऑपरेटिव पब्लिक उसके नज़दीक जाने का प्रयास करे, पुलिस की छवि की लुटेरी जैसी न बने, सहयोग करे जनता का, जनता सहयोग ले भी और दे भी। और मैंने ये भी कहा कि सड़कों का सुचारू संचालन फुटपाथ नहीं है, यहाँ के जो परिवहन मंत्री हैं उनसे मैं ये कह रहा हूँ कि सड़क पर चलना गैर कानूनी है, इनको भी कानून आता कहाँ है, ये जो भाषण और गालें बजा रहे हैं, मैं भारतीय नागरिक खुशी बात भी साझा कर रहा हूँ और वकील लोग भी सेव कर रहा हूँ, 20 लाख वकील हैं यहाँ, जब फुटपाथ ही नहीं है और नागरिकों को ये माननीय न्यायालय ने भी कई बार कहा है जब हमारे बच्चे पतंग उड़ाते समय ट्रैक पर मारे गए थे कि सड़क पर और ट्रैक पर चलते टाइम अगर दुर्घटना होती है तो उसके लिए जिम्मेदार आप, अदालती फैसले हैं यहाँ, कहाँ चले वो। सड़क पर चलना गैर कानूनी है, कानूनी जहाँ चलना है वहाँ फुटपाथ है नहीं, कहाँ चलेगा। मैं भारतीय न्यायालय से ये प्रार्थना करूँगा कि अधूरे आदेश नहीं देकर पूरे दें, ये भी 26 जनवरी राष्ट्र पर्व के रूप कानूनी कानून का अमली जमा, ये कानूनी दिवस ही मनाया जा रहा है, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सड़क पर चलना नहीं है और नीचे चलने को जगह नहीं है, फुटपाथ नहीं है, कहाँ चलेगा नागरिक, राहगीर कहाँ जाए, बीच में चलता है और बीच में भी कुछ फिर शैतान जो है वो डबल समस्या चालकों के लिए खड़ी कर देते हैं, वो बीच में चलते हैं, उनको किनारे पर सड़क की एक साइड में नहीं चलना था कि एक तरफ से तो निकल लें,
तो कानूनी दिवस है और कानूनी दिवस के दिन सभी अच्छी बातें सत्य को स्वीकार करना पड़ेगा। कानून न्याय यही कहता है। अगर सड़क के बीच में नहीं चलना तो माननीय अदालत से मैं कहूँगा कि हमारे साथ आए इस चीज़ के लिए, कहाँ चलें। फुटपाथ नहीं है तो राज्य को निर्देश भी दें कि फुटपाथ की व्यवस्था करें ताकि राह पैदल जो राहगीर लोग हैं वो जा सकें, और वो नहीं है। ये अपने कर्तव्य से जो पीछे ना छिपे, मैंने पहले कहा था कि पब्लिक को एड्रेस करने की ज़रूरत नहीं, इसीलिए इस चैनल का संचालन भी किया गया था। हम एड्रेस पब्लिक की तरफ से इनको कर रहे हैं कि हम चलने तो यार बिल्कुल सड़क पर चलना अनुचित है और सड़क के बीच में चलना गैरकानूनी भी है, बिल्कुल हमें दंड दें, राज्य अधिकार है कानून तोड़ने वालों को दंडित करने का, परंतु तो चले कहाँ उसके लिए राज्य विफल है, न कि हम। राज्य अपनी जवाबदेही तय करें, फुटपाथ की व्यवस्था करें और सड़क पर एक आदमी जो गाड़ी खड़ी करके 100 जो पीछे से गाड़ी आ रही है वो सभी कह रहे हैं कि इस देश में कानून नाम की चीज़ नहीं है, शर्म आती है सुनते हुए। मैं यहाँ के होम मिनिस्टर से कहता हूँ कि आप एक दिन आइए, मैंने पहले भी एक दो DGP ऑफिसर्स ने फ़ोन किए स्टेट्स के कि आप हमारे साथ आइए, हम दिखाते हैं आपको आपकी कानून व्यवस्था। हाँ, सजीले और समर्पित नागरिकों को जरूर आतंकित कर दोगे, आतंकित उनको नहीं करना है, उन महान आत्माओं को आतंकित मत करो जो देश के लिए जीते और मरते हैं, उनको करो जो नए समाज के लिए, नए अपने लिए, नए अपने परिवार के लिए, सिर्फ सड़कों की आवारागर्दी के लिए जीते हैं, उनको जीना उनको सिखाना है। कितनी रॉन्ग पार्किंग की केसेस चाहिए, और यहाँ तो हालत यहाँ तक कहते हैं इंदिरा गांधी गाड़ी रॉन्ग पार्किंग के लिए जब किरण मैडम ने उठवा ली थी तो तिल मिला उठी थी। मैं इनको ये भी कहूँगा कि गुंडों को शहन नहीं दें। पुलिस अधिकारी कई बार जब सख्ती दिखाते हैं तो मैंने उनको बेचारों देखा है, जो सत्ता से जुड़े जो बदमाश हैं, बदमाशियाँ सत्ता से जुड़े लोग करते हैं। ये अभी बादशाह मरा नहीं, बादशाह भी यहाँ जिंदे हैं, उनके साले नागरिकों को परेशान करते हैं। मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ, आम नागरिक की समस्या नहीं है, और वो गलती से अगर पार्क भी कहते हैं भैया थोड़ा साइड में कर लो, बड़े सभ्य जवाब होते हैं, भाई साहब एक सेकेंड अभी कर रहा हूँ, मतलब समस्या जो ये तैयार कर रहे हैं अपराधी, उनको शरण देना, इनकाउंटर विरोधियों का तो करवा सकते हैं, इन बड़े अपराधियों का कराएं, पुलिस के हाथ मजबूत करें कि उनको मरने के लिए न कहें, मारने के लिए कहें। गुंडों से हमारी पुलिस मरे नहीं, मैं पुलिस की बहादुर सिपाहियों की तरफ से पैरवी भी करूँगा, मरे नहीं। मैंने नेते और इनकी कानून की भाषा में कि पता नहीं मेरी नौकरी को खतरा आ जाएगा, सेने बहादुर सिपाहियों को मरते देखा है गुंडों के हाथों, मुझे बड़ी उस क्रूरता पर आज भी मेरा शर्म से सिर झुक रहा है। यहाँ मैं ये भी कह रहा हूँ इन सभी जो कानून दिवस के दिन जो कानून के व्याख्याकार हैं वो बिल्कुल हमारे सामने जाए। मैंने पहले भी कहा था यदि कोई कानून ज़्यादा जानता है तो मैं उसको आमंत्रित करता हूँ और खुले मंच पर करता हूँ, अपने कार्यालय में कोई गुंडागर्दी कर सकता है मेरे साथ कि गेट आउट बाहर हो जाए तो कोई है कौन, परंतु मैं भारत की बहादुर जनता के सामने बिल्कुल जो बातें उठाऊँगा उनके साथ खड़ा हूँ, और मुझे आशा भी है कि समाज मुझे समर्थन भी देगा मेरी अच्छी बातों के लिए। तो मैं ये विशेष रूप से कहना चाहूँगा कि कानून दिवस के दिन ये भी कानून को अच्छे से परिभाषित कर दें, भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से मैं कहूँगा सामग्रिक रूप से ऐसे एड्रेसिंग करें कि भारत की बहादुर पुलिस मरे नहीं, गुंडों के हाथों मारे, बिल्कुल यह आह्वान है सब जनवरी दिन, नहीं मरना उन लोगों को कि मेरी जांच करेंगे, ये कहेंगे, गोली चलाने का आदेश नहीं, बिल्कुल आदेश, परंतु ये आपको साबित करना पड़ेगा कि गुंडे को मारा गया है, नहीं वो मुझे मारता, मैंने आत्मरक्षण गोली चलाई। इसके लिए पुलिस को बिल्कुल एक तत्पर एक ट्रेनिंग की ज़रूरत भी है, और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कहीं घबराने की जरूरत नहीं, यदि जो व्यक्ति ये सिद्ध कर देता है कि मैंने आत्मरक्षा में ये कार्य किया है, वो व्यक्ति कई बार माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी ये निर्णय दिए हैं कि आत्मरक्षा में ये गोली चलाई गई थी, इसे हत्या ना माने जाए। और मैं बहादुर सिपाहियों को फिर सलाम करता हूँ कि समाज और राष्ट्र की रक्षा करें, ये इस तरह की जो मैं गुंडा और गिरे हुए जो शब्द कह रहा हूँ ये मुझे पता है, पिछले दिनों गृहमंत्री से इस्तीफा मांगा था उसकी वीडियो के लिए महाराष्ट्र राज्य की, उन लोगों को ललकार रहा हूँ मैं कि
की बेशर्मी की हदें होती हैं और उससे नीछे न जाएं, क्योंकि इससे राष्ट्र की छवि आजकल अंतर्राष्ट्रीय मीडिया चौकन्ना है। मेरा भारत महान है, परंतु मैं चाहता हूँ इसकी महानता में की छवि में कहीं छेद ना हो। आज हमें सबको मिलकर ये प्रयास करना है, राष्ट्रीय पर्व जो 26 जनवरी को जो आ रहा है, जोश खरोश से मनाना है। और ये मैं सभी धर्म और जाति के लोगों से कहूँगा, धार्मिक और जातीय संगठनों को मान्यता दी है हमारे संविधान ने कि यदि किसी भी समुदाय में अपराधी हैं, गुंडे हैं, तो उनकी बातों में ना आए और उनका प्रतिवाद करें कि किन दीज काइंड ऑफ आइडियाज़ पर्सन आइडियोलॉजी जिनकी गिरी हुई है, जो राष्ट्र की एकता में, राष्ट्र के सद्भाव में, कोई भी संगठन वो किसी भी धर्म जाति से संबंधित हो, ये सुनने में ना आए कि 5 आतंकवादी वहाँ पकड़े गए आरडीएक्स ले जाते हुए, उनको नंगा करके बिल्कुल लाल किले के बाहर ही गोलियों से भुना जाए। गिरफ्तारी की भी जरूरत नहीं है। इस बार मैं निश्चित रूप से ये भी प्रशासन से मांग करता हूँ, और राष्ट्र का नागरिक हो उसको तो और भी ज़्यादा, अगर कोई विदेशी हमारी सीमा को लांघ कर चोरी से घुसा है उसको भी, और यदि देश का नागरिक अगर इस तरह गति जो संलिप्त पाया जाता है तो उसके लिए किसी जुडिशियल इंक्वायरी जरूरत नहीं है। इस तरह के बदमाश को मैं ये कहूँगा, इंक्वायरी कोई कोई जरूरत नहीं, उसको 24 घंटों में उसको वारंट टू डेथ राख बदल दिया जाए। और पुनः शिव भारती वासियों को नमस्ते नमस्कार, और राष्ट्र पर्व के लिए उत्साहित करते हुए कि जोश खरोश से मनाएंगे और देश को फलों का बाग बनाएंगे, शांति सद्भाव के साथ इस पर्व को हम सब मिलकर बनाएंगे। धन्यवाद।